मॉर्फिस ठीक है, तो इसमें मॉर्फिस के बारे में लिटरेचर आइडेंटिफिकेशन है जो इन्वॉल्व होता है लिक्विडेशन ऑफ द आइडियाज वर्ड्स कॉन्सेप्ट टू द टेक्स्ट ठीक है, और इसमें हाईलाइट होता है मेन आइडिया सेंट्रल थीम एंड प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टू द स्टोरी, इट सेट अप अ मूड एंड थ्रो लाइट ऑन द थीम। ये ना सब मेन मतलब इसका मेन जो एक स्ट्रांग लाइन ओपेश उसका यही होता है कि ये जो थीम पे जो लाइट है वो उसको सेटअप करे ठीक है, और इंटरटेन करे ऑडियंस ठीक है। तो आज के लेक्चर में और कल हम पढ़ेंगे अपना मॉर्फिट्स एंड थीम्स का जो डिफरेंस है, मतलब जो मेन डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, कल हम उसको देखेंगे। और आज हमने मॉर्फिट्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ा है, कल मॉर्फिट्स एंड थीम डिफरेंस देखेंगे ठीक है, कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप अपना ये जो आपका बुक है उसमें आपका पेज नंबर 32 दिया है, तो उसमें आपका जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज मॉर्फिट्स एंड डिफरेंस बिटवीन द मॉर्फिट्स एंड द थीम, तो अगर आप ये क्वेश्चन आता है तो व्हाट इज मॉर्फिट्स आना, तो आप उसमें आप ये अगर पॉइंट देखेंगे 4 पॉइंट्स है ठीक है, तो आपको हो सकता है आपको मार्क्स अच्छे मिले ठीक है। तो आप इसको रीड करिए अपने घर में, उसको समझने की कोशिश करिए, अगर डाउट हो तो आप मेरे से पूछ